मैं माँ हूं, धरती माँ। विलासी और व्यभिचारी व्यक्ति के लिए नारी का केवल एक ही रूप होता है, वो उसे काम और वासना की तृप्ति का साधन समझता है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि माता, बहन और पुत्री भी नारी ही होती है। उसके मन से नारी का सम्मान करने की भावना ही मिट जाती है। ऐसे व्यक्ति से यह आशा रखना कि वो आचरण और सौजन्य का प्रदर्शन भी कर सकता है, भूल है। मेरा माथा तभी ठनका था जब जमदग्नि की धर्मपत्नी रेणुका ने यह समझ लिया कि वो सहस्रार्जुन जैसे कामी और विलासी को भी राह पर ला सकती है। मुझे ना जाने क्यों ये भय लग रहा है कि उसकी ये भूल कहीं उसके और उसके समस्त परिवार के लिए किसी बहुत बड़ी और गंभीर विपदा का कारण ना बन जाए। कहीं उसे अपनी इस भूल का कोई बहुत बड़ा मूल्य ना चुकाना पड़े। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। सहस्रार्जुन, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। तुम्हारे समक्ष मैं ही खड़ी हूं, ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। बड़ी बात यह नहीं है देवी, क्या आप यहां क्यों आई हैं? बड़ी बात यह है, इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री मेरे कक्ष में, मेरे समक्ष। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा देवी। तुम जैसे भोगी और विलासी व्यक्ति की दृष्टि को नारी में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ कहां दिखाई देता है? नारी के मान सम्मान, उसके मातृत्व, इन सब गुणों से तो तुम अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो। और ये कोई गुण नहीं है, अभिशाप है शस्त्रार्जुन। सुंदरता तो हर नारी का सर्वश्रेष्ठ गुण है देवी। आप क्या जाने, आपको पहली बार देखकर फिर देखना, बारंबार देखना मेरे जीवन की इच्छा बन चुकी थी। ये रूप, ये यौवन, ये सौंदर्य इसी योग्य है कि आप जैसी स्त्री मुझ जैसे राजा के राजभवन की शोभा बने। यह तो दुर्भाग्य है, अत्याचार है कि तुम जैसी सुंदर स्त्री को ऋषि जमदग्नि जैसे ऋषि के रूखे सूखे जीवन का अंश बनना पड़ा।
आओ सुंदरी, मेरी फैली हुई बाहें तुम्हारे निवास का सुंदरतम स्थान है। आओ। रुक जाओ सहस्राजुन, वासना में अंधे होकर ये ना भूलो कि मैं महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी हूं और उनके 5 पुत्रों की माता भी, और समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की श्रेणी में रखता है। सहस्रार्जुन उस स्त्री के अतिरिक्त जिसने उसे जन्म दिया है, संसार की किसी भी सुंदर स्त्री को अपनी माता नहीं समझता देवी, और तुम जैसी सुंदरी को माता समझना सौंदर्य का अपमान होगा, महापाप होगा। आओ देवी, आओ, आओ देवी। तुझे सहस्र बाहुओं का बल केवल तेरे शत्रु के लिए मिला था, किसी नारी के सम्मान के साथ खेलने के लिए नहीं। मैं चाहती तो तेरा वध भी कर सकती थी सहस्रार्जुन, किंतु मेरे पति को यह स्वीकार नहीं होगा। मेरी तलवार से आज तुझे जो घाव लगा है उसका रक्त आज जीवन बहता रहेगा। आप धन्य हैं देवी रेणुका, आप धन्य हैं। महादेवी, महादेवी देखा आपने, देवी रेणुका ने नीच सहस्रार्जुन को यह दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखा कमल नयन, मुझे रेणुका के आत्मसम्मान पर गर्व हो रहा है, किंतु मैं उसके लिए चिंतित भी हूँ। बड़ी विचित्र हैं आप, जब मुझे चिंता होती है तो आप मुझे सांत्वना देती हैं, और अब आप स्वयं चिंताग्रस्त हैं। अच्छा बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मैं स्त्री हूँ कमल नयन, इसी कारण मैं पुरुष के स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। संदेह पुरुष के स्वभाव का एक विशेष अंग है, दूसरों विशेषतया स्त्रियों के चरित्र पर संदेह करना उसके लिए सरल है, और कभी कभी उसे इस संदेह में आनंद भी आता है। महादेवी, मैं आपकी बात समझने का प्रयास अवश्य कर रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ। रेणुका अपने पति को कष्ट सहते देखकर व्याकुल हो उठी थी। वो सहस्रार्जुन के पास इसी कारण गई थी कि उसके पति और परिवार की यातनाओं का अंत हो जाए। उसे विश्वास था कि इस प्रकार वो सहस्रार्जुन के मन में लज्जा जगा सकेगी और अपने पति को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकेगी। परंतु अब मुझे लगता है कि उसका ये विश्वास किसी संदेह की धारा में बहने वाला है। कोई है? क्यों? ये घाव दिखाकर अपने सेवकों से भी अपने वीरतापूर्ण कार्य की बधाई लेना चाहते हैं? महारानी, जब वो ऋषि कन्या यहां खड़ी थी तब ये दहाड़ती वाणी मूक क्यों हो गई थी? मृत्यु के भय ने आपको उस स्त्री के सामने आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया जिसके साथ आप बलात्कार जैसा घिनौना पाप करने जा रहे थे। महारानी, आप पत्नी होने की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। मैंने तो केवल एक पत्नी होने की सीमा का उल्लंघन किया है, किंतु आपने आपने तो गौ माता की चोरी करा के क्षत्रिय धर्म और पूर्वजों की दी हुई संस्कृति की सीमा का उल्लंघन किया है, ऋषियों के आश्रम जलाकर आचरण की सीमा का उल्लंघन किया है, व्यभिचारी और विलासी बनकर समाज की हर सीमा का उल्लंघन किया है, और आज आज तो आपने एक पतिव्रता नारी, एक आदर्श माता और एक आदरणीय देवी के सम्मान पर आक्रमण करके मानवता की हर सीमा का उल्लंघन कर डाला। महारानी मृणमय, बस, यदि एक भी शब्द मुंह से निकला तो आप मेरी हत्या कर देंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए, मैं स्वयं भी इस अपमानजनक जीवन से उब चुकी हूं,
परंतु मेरी एक बात सुन लीजिए, आज आपने जो किया है उसके क्या परिणाम होंगे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने यहां किसी को इसलिए पुकारा था कि वो मेरे घावों पर लेप लगाए, इसलिए नहीं कि वो मेरे घावों पर नमक छिड़के। जो घाव आपके शरीर पर है उसका तो उपचार संभव है, किंतु जिस घाव से आपकी आत्मा आहत है उसका कोई उपचार नहीं। बारानी! हाथ क्यों रोक लिया स्वामी? काश आज आपने मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दी होती जो एक लाचार नारी के अश्रुओं में भीगा हुआ है। विश्वास कीजिए, मृत्यु इस जीवन से कहीं श्रेष्ठ है। जो संतों को पीड़ित, नारियों को दुखी और शिशुओं को रोते देखकर भी कुछ नहीं कर सकता, आज मुझे अपने समस्त दुखों से मुक्ति मिल गई होती। रोक जाओ सैनिकों, तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषियों और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। स्वामी, कहां थी तुम? आप तो जानते हैं स्वामी। जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, परंतु तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं और वो ही सुनना चाहता हूं। स्वामी, आपके नेत्रों से जो कुछ झांक रहा है उसे जीवन में मैं पहली बार कोई संज्ञा देने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूं। क्या नाम दूं इसे? क्रोध, ईर्ष्या या फिर संदेह? तुमने भी जीवन में जो किया है पहली बार मैं उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं। मैं समझी नहीं स्वामी। जब पुरुष के लिए कहा जाता है कि रात्रि को उसकी आंख चाहे कहीं भी लगे, भोर को खुलनी अपनी ही शैया पर चाहिए, तब तो यह सिद्धांत स्त्री पर और कठोरता से लागू होता है। स्वामी, मैं जानती हूं मुझे थोड़ा विलंब हो गया है, किंतु विलंब नहीं, पूरी रात, पूरी रात बीत चुकी है। मैं क्षमा चाहती हूं स्वामी, किंतु आप तो जानते ही हैं मैं कहां गई थी और क्यों गई थी। कहां गई थी ये भली भांति ज्ञात है मुझे, परंतु क्यों गई थी, इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, केवल ये पूछना चाहता हूं कि पूरी रात आप उस दुष्ट सहस्राजुन के पास क्या करती रही। स्वामी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझसे प्रश्न करने का अधिकार है आपको, किंतु मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ सतीत्व का पालन करने वाली एक नारी भी हूं, और एक नारी के चरित्र पर लांछन लगाने का अधिकार आपको नहीं है स्वामी। मैं चाहती तो
आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती थी, किंतु नारित्व के सम्मान की सौगंध अब नहीं दूंगी। क्यों? क्या इस कटु सत्य पर आधारित प्रश्न का उत्तर देते हुए तुम्हें लज्जा आ रही है? लज्जा नहीं आ रही है स्वामी, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस पर मुझे लज्जा आए। पति और पत्नी का संबंध एक ऐसी कोमल भावना पर आधारित होता है जिसका नाम विश्वास है, और जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा स्वामी, तो मेरा कोई भी उत्तर, मेरा कोई भी तर्क आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, कोई तर्क नहीं? मुझे तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं है स्वामी, मेरा समस्त जीवन आपके सामने है। मैं आपके पुत्रों की माता हूं, मैंने आजीवन आपकी सेवा की है, मैंने आपके पुत्रों को दूध के रूप में अपना लहू पिला पिला कर पाला पोसा है। जब आपका एक संदेह इतने सारे प्रमाणों को नकार सकता है, तो फिर किसी भी तर्क, किसी भी उत्तर का कोई महत्व नहीं रह जाता स्वामी। तो फिर तुम भी सुन लो, मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं समझता कि मैं जाग करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। ने मेरे तुम्हारे समस्त परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिला दिया है। उसने हम सबको लज्जा के सागर में डुबो दिया है। हम सब किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। समझने की आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता केवल इसकी है कि समस्त संसार ये जान ले कि ऋषि के परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिलाने वाली स्त्री को क्या दंड मिलना चाहिए। पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ जाओ और अपनी माता का सिर इसी पल उसके घर से अलग कर दो। जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं किसी अपरिचित भाषा में बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि वध कर दो उसका। वध कर दे, किंतु क्यों? मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह है। क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। ना तो मुझसे कहने में कोई भूल हो रही है और ना ही तुमसे सुनने में। सत्य तो यह है कि मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर अब विश्वास नहीं रहा। किंतु ये कैसे संभव है पिताश्री? क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? किंतु हमें माताश्री के चरित्र पर भी विश्वास है। अर्थात तुमको मेरे कथन से मिथ्या की गंध आ रही है? नहीं पिताश्री, किंतु हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है, और ये सुगंध हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। दूसरे शब्दों में तुम चारों मेरे आदेश को नकार रहे हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम लोग। पिताश्री हमें ज्ञात है कि पिता की आज्ञा का पालन न करना पाप है, किंतु माता का वध करना भी महापाप है। किंतु कोई ना कोई पाप तो करना ही होगा। अब यह निर्णय ले लो कि तुम्हें कौन सा पाप करना है। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? चुप क्यों हो? पिताश्री, यदि हमारे भाग्य में पाप करना लिखा है तो हम पहला पाप करेंगे,
किंतु माताश्री का वध करके उनके रक्त से अपने हाथ रंगने का महापाप कदापि नहीं करेंगे पिताश्री। दुर्भाग्यशाली हो तुम, दुर्भाग्यशाली। अपराध किया है तुम चारों ने, और इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ध्यायेन नित्यम् महेशम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावदं सम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्सुतं मरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम् पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम् शंभो जाने मेरे स्वामी मुझसे रुष्ट होकर कहां चले गए हैं। आप घबराइए मत माताश्री, अनुज और समस्त शिष्य उन्हें खोजने ही गए हैं, और अब तक तो उन्हें खोज भी लिया होगा। वे आते ही होंगे माताश्री, आते ही होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिताश्री का क्रोध भी अब तक शांत हो चुका होगा। पुत्र, मेरा दाया अंग फड़क रहा है, न जाने इसका क्या अर्थ है। माते, माते, क्या हुआ पुत्र, स्वामी का पता चला? नहीं माताश्री, हम लोग दूर दूर तक देखाए हैं, उनका कोई पता नहीं। आप कहाँ जा रही हैं माते? द्वार पर। क्यों? जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आ जाते, मैं द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे इस प्रतीक्षा में एक युग ही क्यों ना बीत जाए। मैं माँ हूं, धरती माँ। रेणुका ने तो अपनी समझ से अपने पतिव्रता होने का प्रमाण दिया, परंतु मुझे चिंता ये हो रही है कि कहीं एक नई प्रथा की नींव ना पड़ जाए कि पति चाहे जो करे और चाहे जहां चला जाए, पत्नी को उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि जो कुछ हुआ उसमें रेणुका का कोई दोष नहीं। रेणुका ने तो केवल अपने पति के आश्रम और अपने परिवार को बचाने की चेष्टा की थी। उसके चरित्र पर संदेह करने का पाप तो ऋषि जमदग्नि ने किया था। यदि किसी को दंड मिलना चाहिए
तो ऋषि जमदग्नि को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कठिन घड़ी में अपने विद्वान और ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं दिया। समय आया तो वो भी एक साधारण पुरुष की भांति व्यवहार करने लगे। मैं जानती हूं कि संदेह एक ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं, और मुझे भय है कि ऋषि जमदग्नि का झूठा संदेह कोई भयानक घटना बनकर सामने आने वाला है। पिताश्री, मुझे नहीं पहचाना पिताश्री, मैं आपका पुत्र, पुत्र राम। हाँ पिताश्री, पुत्र राम, मेरा पुत्र। ओ पिताश्री, ओ पुत्र राम, पिताश्री, मेरा राम। मेरा राम। किंतु पिताश्री, अब मेरे गुरुदेव महादेव ने मेरा नाम परशुराम कर दिया है। परशुराम, क्या हुआ पिताश्री? मेरे लौटने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? प्रसन्नता तो अवश्य हुई है पुत्र, किंतु इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रसन्नता कितने क्षण और जीवित रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताश्री? तो क्या कहूं, मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है, तो मैं पांचों से क्या अपेक्षा करूं और क्यों करूं? मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु उन्होंने नहीं माना। जीवन में पहली बार पुत्र, पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप पे लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा? आप आदेश देकर तो देखिए, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या?
आश्रम चलो पुत्र, वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। नवयुवक कौन है? समय उपरांत उन चरणों को छू रहा हूं जो एक पुत्र के लिए स्वर्ग समान होते हैं। हे माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पुत्र, पुत्र, मेरा मेरा राम। हाँ माता, माता, मेरे लाल। हे माते, इसी क्षण के लिए तो मैं जी रही थी पुत्र। माता, हे माते, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा। स्वामी, पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? अपनी माता का सर। विलंब क्यों? काट दो अपनी माता का सर।
शंभो। तुझे मैं अपने गुरु शिव शंकर का दिया हुआ वरदान समझूं या अपने दुर्भाग्य का प्रतीक? तुझे मैंने पाया था मानवता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तुझे मैंने पाया था अपने माता पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तेरा प्रथम प्रहार होगा उस माता पर जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया, जिसके प्रेम के ऋण से मेरा रोम रोम बिंधा हुआ है, जिसका प्रेम मेरे जीवन की महानतम पूंजी है, जिसके चरण स्पर्श करने के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। गुरुदेव, हे शिव शंकर, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहना कि मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना। माता, मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा, क्षमा माते, क्षमा माते। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अंधेर, एक झूठे संदेह ने डाले मन में फेर, जो लगता था आज तक एक सुखी संसार, ऐसी विपदा आ पड़ी बिखरा वह परिवार, बिखरा वह परिवार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान।
पथ पे चल सुजान।